हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं? ठीक है। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई घर पे? सब ठीक चल रही है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका हिंदी पीरियड है और अभी आप लोग इस क्लास में हिंदी पढ़ेंगे। ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में अंग की मात्रा, चंद्रबिंदु की मात्रा, औ की मात्रा, अह की मात्रा और गाय पर निबंध लिखना सिखाया था। और बच्चों, आज से क्लास में मैं आपको हिंदी में वाक्य निर्माण बताऊंगी। आज शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आज आप लोग को मैं बताती हूँ वाक्य निर्माण। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक शब्द आपको कोई दे दिया जाता है, जैसे पंखा, तो पंखा से आप कैसे वाक्य बनाएंगे? पंखा एक शब्द है, पंखा शब्द से आपको एक वाक्य बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वैसे बना सकते हैं, आप अपनी बुद्धि से, आप अपने मन से, आप अपने शब्दों में एक उससे वाक्य बनाएंगे। जैसे पंखा चल रही है, पंखा ठंडी हवा दे रही है, पंखा ठंडी हवा दे रही है। तो ये स्टूडेंट्स, ये एक वाक्य बन गया पंखा से। ठीक है, जैसे पानी, ठीक है, तो पानी ठंडा है या पानी गर्म है, तो इस तरह से पानी से एक वाक्य बन गया स्टूडेंट्स। इस तरह से मैं आपको आज शब्दों से वाक्य बनाना सिखाऊंगी स्टूडेंट्स। मैं बोर्ड पे कुछ शब्द लिखी हूँ, इससे आपको आज वाक्य बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं लिखी हूँ गाजर। क्या लिखी हूँ मैं? गाजर। तो गाजर से आप वाक्य बनाएंगे, गाजर का हलवा खा। क्या बनाएंगे? गाजर का हलवा खा। यहाँ आप लिखेंगे गाजर का हलवा खा। आप लोग अपने मन से भी कोई शब्द बना सकते हैं, आप लोग अपने मन से कुछ दूसरा भी इससे यहाँ वाक्य बना सकते हैं। ओके, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे बनता है। आम दूसरा शब्द है, मछली दूसरा शब्द क्या है? मछली। तो आप लोग बनाएंगे इससे मछली जल की रानी है या मछली पानी में तैर रही है। आप अपनी मर्जी से भी वहां बदल सकते हैं, मछली जल की रानी है। ओके, नेक्स्ट आपका है आम। तो आम से बच्चों आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, आम फलों का राजा है। आइए मैं यहां लिखती हूं, आम फलों का राजा है। चौथा आपका है सितार। तो सितार से आप लोग बनाएंगे, गीता सितार बजा। गीता सितार बजा। पांचवा आपका है वाक्य चिड़िया। तो चिड़िया चहचहा रही है या चिड़िया आसमान में उड़ रही है। ओके, आपको जो मर्जी वहां लिख सकते हैं, एक वाक्य बना सकते हैं, चिड़िया चहचहा रही है। ओके, इसके बाद बच्चों आपका डाकिया क्या है? डाकिया, तो डाकिया से आप लोग क्या बनाएंगे? डाकिया क्या लेकर आता है? खत लेकर ही ना आता है, तो आप उसे एक वाक्य बना सकते हैं, डाकिया खत लेकर आया। या पत्र लिख सकते हैं हिंदी में, आप उसे खत को पत्र कह सकते हैं, डाकिया पत्र लेकर आया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपका गुलाब। तो गुलाब से आपको
तितली बगीचे में उड़ रही है या तितली रंग बिरंगी होती है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं आगे। तितली बगीचे में उड़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपका बंदर। तो बंदर से आप लोग क्या सेंटेंस बनाएंगे? बंदर नाच दिखा रहा है। क्या लिखेंगे वहां? बंदर नाच दिखा रहा है। बंदर का नाच आप लोग देखे हैं ना, मदारी वाले जब आता है गांव में तो कैसे डमरू बजाते हैं मदारी वाले, और बंदर कैसे अपना नाच दिखाता है। ओके, बहुत अच्छा लगता है ना। बंदर नाच दिखा रहा है। मोर 10 नंबर में है आपका मोर। तो मोर से क्या आप लोग बनाएंगे? मोर जंगल में नाचता है, या मोर हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, आप लोग ये भी लिख सकते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पशु है। ओके, आप लोग अपनी इच्छा से इसे चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये 10 सेंटेंस 10 वाक्य लिखी हूँ, और आगे भी है। 11 नंबर में है आपका पूजा। ठीक है, पूजा यहाँ मैं लिख रही हूँ, पूजा से आप क्या बनाएंगे? माँ पूजा कर रही है, माँ पूजा कर रही है। ओके, 12 नंबर में आप लिखेंगे पतंग। तो पतंग आसमान में उड़ रहा है, पतंग आप लिखेंगे यहां, पतंग आसमान में उड़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, 13 नंबर पर आप लिखेंगे क्या? 13 नंबर पर आप लिखेंगे अंगूर। अंगूर मीठा है, अंगूर यहां लिखेंगे, अंगूर अंगूर मीठा है। 14 नंबर में आप लिखेंगे वृक्ष। क्या लिखेंगे? वृक्ष, वृक्ष का पेड़, वृक्ष। तो वृक्ष से आप वाक्य बनाएंगे, वृक्ष पर फल लगे हैं। ठीक है, वृक्ष पर फल लगे हैं। ओके स्टूडेंट्स, 15 नंबर में आप लिखेंगे अनार। अनार अनार के दाने लाल हैं, अनार के दाने लाल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको मैं 15 शब्द यहाँ पे लिखवाई हूँ, और इन 15 शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। मैं आपको वाक्य बनाकर यहाँ बता दी हूँ, आप लोगों को ठीक इसी प्रकार आप लोगों को भी इससे इन शब्दों से वाक्य बनाना है। आप चाहें तो इन शब्दों को भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप अपने बुद्धि से भी इसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप यहाँ दूसरा वाक्य बना सकते हैं, जैसे गाजर से आप दूसरा वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास आपका वाक्य संरचना का है। तो आप लोग अभी अपने कॉपी में इन शब्दों को उतारेंगे और इन शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास मैं यही ओवर करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे और हिंदी में कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।